अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाज़रीन, जब हम इस शहर के अंदर मुख्तलिफ़ जराइम की बात करते हैं तो उसके अंदर एक अहम मामला जो है वो मंशियात का सामने आता है, और इसी मंशियात की लत है जो नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है, और एक अफसोसनाक वाक़या जो मजबूर बना कि आज हम इसको सेगमेंट का हिस्सा बनाएँ और इसके ऊपर बात करें, क्योंकि दिल दहला देने वाला मामला जो है वो सामने आया है। सचल थाने की हदूद में कुछ रोज़ कबल जो है वीराने पे एक लड़की की लाश बरामद होती है, और उसके बाद पुलिस जो है वो तहकीकात का आगाज़ करती है, और इसकी जो तफ्तीश है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है उसके ऊपर जब वो तहकीकात का आगाज़ करती है तो मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में आती है। एक हॉरेबल चीज़ें जो हैं वो इस पूरे मामले के अंदर जो है वो निकल कर आ रही हैं। ये कौन से गेस्ट हाउसेस के नाम पर, ये कौन से फहाशी के अड्डे चलाए जा रहे हैं, ये कौन से लोग हैं जो मंशियात जो है वो गेस्ट हाउसेस तक पहुँचा रहे हैं, ये कौन सा मुनज़्ज़म ग्रोह है जो इस तरह के काम कर रहा है और नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है, और ये कौन से डोज हैं कि अभी कुछ रोज़ कबल जिन अस्पताल पे एक लाश हमने उसी के ऊपर बात की थी, एक और लाश हम इधर बता रहे हैं। मुलजिमान ने तहकीकात और तफ्तीश के दौरान क्या बताया पुलिस को, इसके ऊपर आज हम नाज़रीन बात करेंगे। और मेरा तो दिल दहल गया इस स्टोरी के बाद, जो जो तहकीकात तफ्तीश जो जो हुई है उसके बाद जो सामने आई है, इसके ऊपर मैं बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है उसके SSP जुनेद शेख साहब। जुनेद शेख साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। हम यही जानना चाहेंगे कितने मुलजमान पहले बताएँ कि गिरफ्तारी अमल में आई है, और ये भी बता दें कि उन्होंने क्या तफ्तीश के दौरान बताया। ये चार मुलजमान हुए गिरफ्तार, उन्होंने तफ्तीश में यही बताया कि ये जो लड़की है बेचारी, इसको जो है वो किसी गलत मकसद के लिए ले आए थे, और फिर इसको जो है वो उन्होंने उल्टी सीधी जो है वो गोलियां खिलाई, और उसके ओवर डोजेज की वजह से फिर इसकी हलाकत हुई। तो उसको फिर कत्ल छुपाने के लिए इन्होंने इसको चादर में लपेट के एक वीराने में फेंक दिया। जुनेद साहब, यानी कि जो वकुआ हुआ है वो किसी और जगह पर हुआ है, यानी कि गेस्ट हाउस में, उसके बाद उन्होंने वहां से उठाया है और वीराने में फेंक दिया। हाँ जी, वकुआ एक फार्म हाउस पे हुआ है गड्ढा की हदूद में, और उसके बाद फार्म हाउस के बाद जब वहां पे लड़की मर गई है तो फिर उसको जो है एक टैक्सी या कार के जरिए गया के किसी वीराने में फेंक दिया। तो तहकीकात में पता चला है कि ये सिर्फ चार मुलजिमान थे या और थे, और क्या हो रहा था? ये जो महफिलें सर सजाई जा रही हैं आजकल, ये तो नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। जी बिल्कुल, ये तबाही की तरफ ले जा रही हैं। ये चार मुलजिमान के अलावा दूसरे भी हैं, और दूसरे भी हैं उनको भी हम पकड़ रहे हैं, और वो इस क्राइम में ऐसे इन्वॉल्व हैं कि उन्होंने ये मेडिसिन प्रोवाइड की थी, और दूसरा ये है कि उन्होंने ये फार्म हाउस जो है वो यानी कि बुक करवाते हैं ऐसे मकासद के लिए। और सर, इतलात जुनेद साहब, ये इतलात हमें हर हफ्ते हर जो है ना सैटरडे नाइट्स जो है वो इतलात मिल रही होती हैं कि बकायदा जो हैं वो इस तरह के फार्म हाउसेज, इस तरह के गेस्ट हाउसेज बुक करवाए जाते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ फहाशी की जो है महफिलें सजाई जाती हैं, और इसमें नौजवान नस्ल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, और इस हद तक तो मामला जो है वो अब इससे आगे निकलता जा रहा है, क्योंकि अब हमें इतलात जिस तरह वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं उसके अंदर मंशियात की लत है। सर, ये क्या नेक्सस है, थोड़ा इसके ऊपर हमें बताएं, नाज़रीन भी जानना चाहते हैं इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है। असल में जी ये मैं बताऊं कि एक जो मंशियात एक नई आई है, नई किस्म आई। हाँ सर, बहुत खतरनाक नशा ये। ठीक है, तो उसमें उसकी जो है फ्री सप्लाई जो है, और उसके बाद जो माशरे में बेरा रवि है या हमारे पास एक अयाशी का तस्वर है, इन दोनों ने मिलकर जो है एक नौजवान नस्ल को जो है गलत रास्ते पर लगा दिया है, और फिर उसमें जो है ये है कि कुछ माशी मजबूरियां दी हैं जिसकी वजह से कुछ औरतें या लड़कियां या कोई दूसरे ये पेशा इख्तियार करती हैं, और फिर उनमें उनकी जो है बेबसी और वो जो उनकी मजबूरी है या उनकी गुर्बत का फ़ायदा उठाते हुए फिर उनको जो है ये अद्वियात मंशियात जिसका आज़ादाना इस्तेमाल है वो उसको इस्तेमाल करवाते हैं, और वो मजबूर होते हैं उनको इस्तेमाल करने पर, और उसमें चूंकि ये बड़ी खतरनाक होती हैं और इसकी थोड़ी या बहुत जो डोज है वो हलाकत का बायस बनती है, तो वो डोज में थोड़ी कमी या बेशी की वजह से वो हलाकतें हो जाती हैं, और बाद में जो है वो उसको यानी कि ये है कि उसको फिर इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते हैं। जुनेद साहब देखें, फार्म हाउसेज हैं समझ में आता है, मगर कोई कानून इनको रोक सकता है? कोई दफात हैं ऐसी
किसी लीगल फ्रेम में आते हैं ऐसे लोग जो इस तरह की महफिलें सजाते हैं? जो देखे ना, फार्म हाउसेज जी लीगल है, कोई मसला नहीं है जी, गेस्ट हाउसेज बताए जाते हैं जी लीगल है, मगर उसके अंदर जो ये मामला चलते हैं इसको हम कैसे कानूनी तौर पर रोक सकते हैं? कोई और मामला, चेक एंड बैलेंस कैसे कर सकते हैं? क्या जो इलाकाई थाने हैं वो क्या कर सकते हैं? सरकार को क्या कानून जो है वो साजी करनी चाहिए इसके ऊपर मुझे बताएंगे कि हो सकता है ना कि पुलिस को कहीं रुकावटों का सामना करना पड़ रहा हो? बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे पुलिस कहते हैं जी हम जाते हैं तो कोई और मामला हो जाता है, उल्टा हम ही जो है वो कोर्टों के और अदालतों के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। तो इसका कोई लीगल फ्रेम किस तरह कर सकते हैं कि कम से कम जो नौजवान नस्ल, सर जो इत्तलात आ रही है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब आ रही है, तो लीगल फ्रेम के ऊपर रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं हम? देखें जी, लीगल तो मौजूद है फ्रेमवर्क, अभी उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन का मसला है कि उस पर अमल दरामद करवाना वो किस हद तक जो है होता है। तो इसमें जो है गेस्ट हाउस वो या फार्म हाउस हो, अगर वो लीगली उसमें काम हो रहा है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें इलीगल किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं तो उसके लिए पूरा जो है पाकिस्तान पिनल कोड दस्तियाब है, उसमें हर जो है इलीगल एक्टिविटीज की सजा मुकर्रर है। अभी दूसरा इसमें ये है कि इसमें मसलन जिस तरह से ड्रग्स का इस्तेमाल है, इसमें ANF भी आता है, एक्साइज वाले भी आते हैं, पुलिस भी आती है, वो इन तीनों जो है मिलके एजेंसियां जो है वो काम करती हैं ड्रग्स के जो है वो तरसील पे। फिर इस तरह से दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी लीगल फ्रेमवर्क तो मौजूद है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उस लीगल फ्रेमवर्क को जो ना इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको यानी कि उसमें उसको नाफिज किया जाए। अच्छा सर, वैसे आप समझते हैं जुनेद साहब, क्योंकि देखिए ना, कोई किसी भी जगह पे इस तरह की महफिल सजाई जाती है तो इंटेलिजेंस होती है थानों की, क्या कहाँ कहाँ कमी आ रही है, क्या उनको पता नहीं चल पा रहा? क्योंकि कुछ जगहों पे तो हम ये इतलात समझ में सामने आती हैं कि जी ये मुसलसल जो है मख्तस करती है कहीं, जैसे कुछ मकामात और कुछ जगहें, तो फिर अगर ये चीज़ तो मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है तो वो थानों में कितनी FIRें हो रही हैं, क्या अफसराने बाला और दीगर लोग इसके ऊपर रिम देख रहे हैं? क्योंकि नौजवान नस्ल, मैं तो इस प्रोग्राम में बहुत सारी बातें नहीं कर सकता कि जो जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, एक अफसोसनाक मामलात हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे मामलों के अंदर दिखाई देते हैं, उनको सेफ़ हाउसेज नज़र आ रहे हैं अब ये गेस्ट हाउसेज नशा करने के लिए और दीगर जो गैर अखलाकी हरकत है, तो इसको रोकने के लिए बहसियत माशरे के अहम फ़र्द अफराद हम क्या कर सकते हैं? कोई ऐसी चीज़ आप बताना चाहें जो लीगल तरीके से चेक एंड बैलेंस को मजबूत कर सके, ज़रा उसके ऊपर भी रोशनी डालें जुनेद साहब। हाँ देखिए ना जी, कहने का मतलब ये है कि मतलब कोई भी गेस्ट हाउस होता है या दूसरी जो जहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी होती है या कोई भी होता है जहाँ पे मंशियात का इस्तेमाल होता है, तो इर्द गिर्द के लोगों को सारा पता होता है और पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस भी होती है, तो वो जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो यानी कि खामोश ना रहें, बल्कि वो किसी न किसी फोरम पे सोशल मीडिया के जरिए या दूसरा मीडिया है या खुद जाकर अपना नाम बेशक जाहिर ना करें, उसकी निशानदेही करें कि भाई यहाँ पे जो है ये मंशियात या ये वाली चीज चल रही है, तो उस पर खुद ब खुद एक्शन हो जाएगा। और बाकी सर इसमें बोले बोले सर, खुद ब खुद एक्शन हो जाएगा तो उसमें जो है दूसरा ये है कि देखिए मंशियात जिस तरीके से यानी कि ये फैल रही है, तो हमारी जो है 60% के करीब यंग पॉपुलेशन है, ये तो आगे सारी पॉपुलेशन को तबाह कर देगी। बिल्कुल। अब जब मैं जुनेद साहब पता है क्यों फिक्रमंद ज्यादा हूँ, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि एक तबका ना, पहले ये बोला जाता था जी, समझा जाता था कि जी एक कुछ ये नशे हैं वो जो है ना वो सिर्फ इलीट क्लास के लिए हैं और इलीट क्लास, मगर अब जिस तरह सिचुएशन सामने आ रही है, जिस तरह इतलात आ रही है, जिस तरह रिपोर्ट्स हो रहे हैं वाकयात, और जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर फुटेजेज आ रही हैं, जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, तो वो दिल दहलाने के लिए इसलिए है कि आप हफ्ते के दिन किसी भी दिन, मैं तो ये कहूँगा एडिशनल IG कराची से हफ्ते के सर किसी भी दिन हफ्ते की रात सिर्फ अपने नफरी लेके निकलें और आपको लग पत जाएगा कि सर हो क्या रहा है, और उसके अंदर ये जो सर मंशियात और दीगर चीज़ों का इस्तेमाल, इतनी इतनी हौसला अफजाई सर कहाँ गलती हो रही है पुलिस और दीगर इदारों से कि इतनी हौसला अफजाई कैसे ये मुलजिमान जो हैं? क्योंकि सर देखें ना, इजी टारगेट है, आए लोगों को जमा करें, वहाँ पे यंग जनरेशन है, उनको आप इजीली माइल कर सकते हैं, एक दफ़ा लग गए तो बस सिस्टम शुरू। अच्छा जी, इसमें ये देखें ना, पहले जो मतलब हाई किस्म के या एलीट किस्म क्लास के लिए जो नशे होते थे वो महंगे होते थे, लेकिन अब अफगानिस्तान और इधर जो है यही आइस क्रिस्टल या सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं वो यानी कि चीप और सस्ते रेट में बन रहे हैं, वो केमिकल वगैरह जो है वो इस्तेमाल करके या वो जो है केमिकल वगैरह मिला के
वैसी चीज़ बना रहे हैं जो यानी कि महंगी तरीन होती है। तो इनकी जो अवेलेबिलिटी है, एक तो इसलिए आसान हो गई है क्योंकि इनके रेट जो हैं वो सस्ते हो गए हैं, ये अभी इतनी महंगी नहीं रही जिसको आप सिंथेटिक ड्रग दे रहे हैं। और दूसरा इसमें ये है कि फिर चूँकि लोकली भी अब ये बनाना पॉसिबल हो गया है चंद केमिकल्स को मिला के, तो इसलिए वो यानी कि लोकल। अच्छा जुनेद साहब, मैं ये जानना चाहूँगा और नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि देखें, आप सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, आपने बहुत सारे केसेस इस तरह के देखे होंगे, कुछ हमें बता सकते हैं कि किस तरह के केसेस आ रहे हैं, किस तरह के लड़के लड़कियाँ जो जो इस मंशियात बिलखसूस आइस के अंदर जो हैं वो यूज़र हैं, वो कितनी डिस्टर्बेंस पोजिशन पर होते हैं, किस हालत में होते हैं, कितना नुकसान पहुँचाते हैं, ताकि नाज़रीन भी सुनने वाले जो हमारे नाज़रीन हैं उनको भी पता चले कि किस तरह के हॉरेबल चीज़ें होती हैं। हाँ हॉरेबल, अभी देखे ना, कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है चंद एक वाक्यात ऐसे हुए हैं जिसमें जो है आप खुद ही देखेंगे कि ये जो आइस क्रिस्टल या सिंथेटिक ड्रग्स इन्होंने इस्तेमाल की थी, उसमें एक ये जो एमआर टावर्स है उसकी 13वीं मंजिल से उसने जो छलांग लगा दी थी। बिल्कुल। और दूसरा एक ये हुआ था कि एक ने जो है अपने यानी कि इसी नशे की वजह से अपने बाप को गोली मार के हलाक कर दिया। बिल्कुल हुआ था, ये भी बड़ी सोसाइटी के जितने भी वाक्यात होते हैं तो आप उसमें देखें कि यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और अगर आप अमेरिका वगैरह की मिसाल ले लें तो आप सुनते होंगे वहाँ पे कि एक लड़के ने स्कूल में दाखिल होकर 17 स्टूडेंट्स को मार दिया। बिल्कुल, ठीक है ना। और दूसरे ने जो है वो यानी कि कॉलेज में या कहीं पर वो फायरिंग कर दी जिससे बड़ी हलाकतें हो गई। तो ये नशा इस तरह से है कि इसमें अगर आपके पास गन हो तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही फैला सकते हैं। तो ये वाले जो मामला सामने आएंगे अगर ये चीज़ें। अच्छा जुनेद साहब, मैं देखें ना, मैं इसलिए इस वक्त इसको सेगमेंट का हिस्सा इसलिए भी बनाया है कि देखें, हम ये देख रहे हैं कि जी स्मगलर्स के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ निगरा हुकूमत के दौरान में जो है वो सामने आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे तामीराती मामला जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नाम पर जो माफियाज काम करते थे उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं, एप्लीकेशन सामने आ रही हैं। एडिशनल आई जी साहब को बोला जा रहा है कि ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनको इनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाए। ज़मीनों के मामला और दीगर मामला में तो ये सर जो गेस्ट हाउसेज और उसके साथ जुड़ा हुआ ये मंशियात का नेक्सस है जो बराए रास्त नौजवान नसल को तबाह कर रहा है, इसके ऊपर कराची पुलिस कोई हिकमत अमली बड़े लेवल पे बना रही है, कुछ बता सकते हैं इस हवाले से? जी जी बिल्कुल, आप देखें ये बिल्कुल आप अपना ये आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो है यानी कि इस चीज़ को जो है लाइट नहीं लिया जा रहा, बल्कि इसके खिलाफ जो है वो एडिशनल आई साहब और हमारे आई साहब और टी आई साहब बहुत ज़्यादा यानी कि सीरियसली ले रहे हैं और पूरा इसमें जो है वो ऑर्गेनाइज्ड एक प्लान बनाकर इनके खिलाफ क्रैक डाउन का जो है प्लान भी है, ठीक है ना, और वो जारी भी है। लेकिन ये है कि ये इनकी तादाद जो है या दूसरी जो है इतनी यानी कि ज़्यादा है कि इनको जो है फुल क्रैक डाउन करने में पुलिस को कुछ टाइम लगेगा। क्योंकि सर देखें ना, खादिम साहब भी इस चीज़ को समझेंगे कि वो एक जुड़ा हुआ है ये मामला, मंशियात और स्ट्रीट क्राइम और दीगर क्राइम, ये एक बिल्कुल नेक्सस है इस चीज़ को, क्योंकि माजी जो साबिक आई जी थे गुलाम नबी मेमन साहब, उन्होंने भी बारह मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में इस चीज़ का इजहार किया है कि जी ये जो मंशियात है ना, ये स्ट्रीट क्राइम और दीगर जो क्राइम्स है ना मुनज़्ज़म और दीगर, उसके साथ ये बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। जी जी बिल्कुल, अभी उस पर ये जो पॉलिसी की कंटिन्यूटी है और मंशियात के खिलाफ अभी भी जो है बहुत बड़ा एडिशन आई साहब के कहने पे हुकुम पे क्रैक डाउन चल रहा है और उसमें हमारी पुलिस की जो है हौसला अफजाई और तरबियत भी कर रहे हैं कि इसमें जितना हो सके यानी कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और बहुत उससे जो है बेहतरी भी आई है। बाकी ये है कि एक मुआशरे में बुराई मौजूद है, उसके खिलाफ जो मुसलसल जिहाद जो है वो जरूरी है, वो मुसलसल जिहाद जाए। और जुनेद साहब, इसका ना मतलब जो माहरीन है और दीगर लोग हैं वो ये बताते हैं कि जी टूरिज्म डिपार्टमेंट मौजूद है, एक दरख्वास्त उधर पहुँचनी है और उनसे पूछना है कि भाई आप हमें बता दें लीगल कितने आपके गेस्ट हाउस या दीगर जगहें हैं, और उसके बाद जो नहीं है उनके ऊपर तो कम से कम उनको रोका जाए, बंद किया जाए। क्योंकि एक तरफ ये सिर्फ ये मामला नहीं है कि ये टैक्सेस का भी बड़े मामला आते हैं, लोगों ने अपने दीगर घरों को गेस्ट हाउसेस की तरफ चला रहे हैं और बहुत सारे मामला आते हैं। तो सर इसकी रोकथाम के लिए तो मुतालका इदारे जो कि पूरा डिपार्टमेंट है टूरिज़म का और दीगर डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिल के बैठना पड़ेगा, कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे या आप अपने पास से कोई कोई बात करेंगे अफसरान से कम इसके ऊपर एक बड़े लेवल पे कोई बैठक हो, कोई बड़े लेवल पे हिकमत अमली बनाई जाए? हाँ जी बिल्कुल, देखिए असल में क्या है कि ये जो फार्म हाउस वगैरह दूसरे बने हुए हैं इनका कोई रिकॉर्ड है नहीं, यानी कि ये जो है गैर कानूनी तामीरात में आप शामिल कर सकते हैं, कोई भी लैंड हो आप उस पर जो है कोई भी सुपर हाईवे वगैरह दूसरी भी हाईवे रोड हो
उस पर आप बना लेते हैं तो फिर उसका जो है एज सच यानी कि बिल्डिंग की तरह या किसी बड़ी इमारत की तरह रिकॉर्ड नहीं होता, आप चौथी बारी लगा के उसमें कोई भी किस्म की एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं। सर बहरहाल तो आप लोगों ने जो काम किया ना उसकी हम हौसला अफजाई करते हैं, और हम जो नाज़रीन सुनने वाले हैं और बहुत सारे लोग भी बहुत सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि पूरे पूरे घर तबाह हो जाते हैं सर। मामला एक फर्द का नहीं है, ये मामला पूरा घर, चाहे बड़ा हो छोटा हो अमीर हो गरीब हो, उसका घर तबाह है सर। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम किया है कि इसमें जो है इस बात से उजागर होगी यानी कि जो माशरे में है कि भाई ये वाली चीज़ चल रही है और उसके क्या नुकसान आते हैं। तो इस तरह की जो है वो यानी कि हौसला अफजाई से या इस तरह की उससे भी अवेयरनेस आएगी, शऊर आएगी और लोग जो है अपने जो है बच्चों पे नज़र रखेंगे या जो है वो गेस्ट हाउस वगैरह वाले जो भी हैं वो भी यानी कि उनकी भी हौसला शिकनी होगी। बहुत शुक्रिया जुनेद साहब अपना टाइम देने के लिए और इसके ऊपर काम करने के लिए, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो है वो सामने आई, और हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह की कार्रवाइयाँ सामने आएँ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इस जो मामला था ना, ये जो पूरा का पूरा ये सिलसिला चल रहा है एक मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है नाज़रीन, और हम दरख्वास्त करेंगे एडिशनल आई जी कराची आई जी सिंध के, देखें कराची के अंदर सैकड़ों की तादाद में इस तरह है, अपने इंटेलिजेंस वालों को किसी दिन बुलाएँ और उनसे पता करें कि क्या चल रहा है इलाकों के अंदर, तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो नज़र से बाहर हो या इख्तियार से बाहर हो या कोई और मामला हो, बहुत सारे मामला सामने आएंगे। जिंदगियों का अब मामला है, नौजवान नस्ल का मामला है, हम चाहेंगे कि एक हिकमत अमली बने, इस पर बैठक हो और हम प्रोग्राम में अपने ये डिस्कस करेंगे कि जी हमने ये खुल के बात की और हमें जिस तरह इत्तला मिल रही है, जिस तरह SSP जुनेद शेख बता रहे हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं और इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जी हम आइंदा इसके ऊपर एक प्रॉपर मेगा लेवल पे जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो बात ये कि मुतालिका इदारों के साथ बैठना पड़ेगा, इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, वरना इस शहर के अंदर लड़के हों लड़कियां हों नौजवान हों, ये बहुत बहुत मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इधर बैठ के मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, मगर जिस जिस के साथ मसाइल हैं वो मेरी बात अच्छी तरह समझिएगा, जिस जिस के घर के अंदर ऐसा मंशियात का आदि फ़र्द है तो उसको इस दर्द का एहसास होगा। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जो पुलिस अफसरान इस तरह के केसेस देखते हैं, उनके पास आते हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि पूरी पूरे ख़ानदान पूरे के पूरे किस तकलीफ़ से गुजरते हैं। हम यही दुआ करते हैं कि खुदारा ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए कि इसके ऊपर काम हो, नौजवान नस्ल को कहीं ना कहीं तो रोक सकें इस मंशियात की लत में जाने से। नाज़रीन हम एक और स्टोरी पे काम करेंगे, बताएंगे इसके ऊपर, हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हम चलते हैं ब्रेक पे और फौरी हाज़िर होते हैं।